हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपके लिए करा जाता है एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, जो आपको काम में आने वाला है आपके स्कूल एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ऊपर, कंसेप्ट सर्वोपरि है। बच्चा लेक्चर का नोट्स भी आपको मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मुझे पता है मैं लेट हूँ, बट अभी भी स्कूल में यूनिट टेस्ट भी बाकी है और स्कूल में टर्म एग्जाम तो अभी 2 महीने के बाद है। तो अभी हम फिजिक्स में बैक टू बैक करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आने वाले 10 दिन के अंदर आपको 3 चैप्टर मिलने वाले हैं बच्चा, बैक टू बैक, ठीक है। चलिए तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा मोशन करके एक चैप्टर आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th में सीखा था, जहां पे आप कुछ बेसिक टर्म समझ के आए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के 3 फॉर्मूलाज, उसके न्यूमेरिकल्स। तो वही चीज है आपको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में करना है और डिस्क्रिप्टिव में करना है। चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा। सो मोशन, मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूवमेंट कर रहा है तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। चलो, वॉट इज काइनेमेटिक्स? सो बेटा काइनेमेटिक्स इज ओनली स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट रिगार्डिंग द कॉज। मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स। सो वी इन काइनेमेटिक्स डू नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द फोर्स, वी जस्ट टॉक अबाउट द मोशन। सो काइनेमेटिक्स इज ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इन टू द कॉज ऑफ द मोशन। तो बेटा मोशन को एक्चुअली 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, एक होता है काइनेमेटिक्स जहां पर सिर्फ मोशन पढ़ना है, दूसरा होता है डायनेमिक्स जहां पर फोर्स आता है, और दोनों को मिला के, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को मिला के कहा जाता है मैकेनिक्स। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अब आपने स्पीड और वेलोसिटी समझा है ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। सपोज मान लीजिए बच्चा कि ऐसा कुछ आपको ऑब्जेक्ट के पोजिशन और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ है बेटा? पोजिशन वर्सेज टाइम का। ये एक्स क्या है बच्चा? पोजिशन है। और सपोज इस तरह से ऑब्जेक्ट का कुछ पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब अगर मुझे बेटा इसमें चाहिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, हाँ राइट, तो मुझे सपोज मान लीजिए इन 2 पॉइंट के बीच का चाहिए एवरेज स्पीड। तो मैं चेक करूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोजीशन है, उसको मैं X1 कह रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर क्या पोजीशन है, उसको मैं X2 कह रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर टाइम क्या है, उसको मैं T1 कह रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर टाइम क्या है, उसको मैं T2 कह रहा हूँ। तो बेटा पोजीशन कितना चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का? इतना चेंज हुआ, जिसे हम कहेंगे डेल्टा एक्स। टाइम कितना चेंज हुआ बच्चा? इतना चेंज हुआ, उसे हम कहेंगे डेल्टा टी। तो ये एवरेज स्पीड का सिंपल सा मतलब है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या आता है बेटा? डिस्टेंस आता है, राइट। ऑन द अदर एंड इफ आई राइट एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है डिस्टेंस की जगह पे बच्चा? डिस्प्लेसमेंट आता है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझो बेटा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि आपको 9th का कुछ भी नहीं आता है, मोशन के रिगार्डिंग आप पूरी तरह से ब्लैंक हो। तो सपोज मानिए बेटा कि हमने इस तरह से कुछ मोशन किया, सपोज यहां से हमने शुरुआत करी, फिर हम यहां से 10 मीटर ऊपर गए, फिर यहां से हम 20 मीटर आगे गए, और यहां से हम वापस 10 मीटर पीछे आए, ठीक है। इस तरह से हमने मोशन किया। तो अगर मैं आपको पूछू कि बेटा डिस्टेंस कितना, तो आपको सिंपली क्या देखना है, डिस्टेंस में टोटल कितना पाथ कवर हुआ? तो 10 + 20 + 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा? 40 मीटर। बट अगर मैं आपको पूछूं कि इस केस में बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चा आपको खाली क्या देखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी एंड एंड कहाँ पे हुआ। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, एंड यहाँ पे हुआ,
तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ये जो सीधा सीधा डिस्टेंस है ना, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हमें क्या देखना है, पोजीशन कितना चेंज हुआ। डिस्प्लेसमेंट में हमें पूरा रास्ता देखना नहीं होता है, समझे बेटा। डिस्प्लेसमेंट में आपको पूरा रास्ता नहीं देखना है, आपको खाली क्या देखना है, स्टार्टिंग क्या था, एंडिंग क्या है, और स्टार्टिंग से एंडिंग को जोड़ती हुई जो सीधी सीधी लाइन बनेगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हुआ बेटा, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट, कितना है ये टोटल डिस्टेंस बताइए बच्चा। तो सबको पता ही है कि ये डिस्टेंस है सर 20 मीटर, क्योंकि ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, 20 है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपली बच्चा चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, राइट कर लेते हैं इसको। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है आपका चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। तो ये हो गया बेटा आपका वेलोसिटी, इसका सिंबल है वी, ठीक है बेटा। मैं आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट भी सिखाऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी वालों ने तो कुछ रखा ही नहीं है, बहुत चीजें निकाल दी, मान लो पूरा रेशनलाइज कर दिया है ना। तो बेटा अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजिशन क्या चेंज हुआ, डिवाइड बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एंड स्पीड में हम क्या देखेंगे, पूरा कितना पाथ कवर हुआ। तो इस केस में भी अगर आपको बच्चा देखो, इस केस में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये पूरा रास्ता लेना पड़ेगा, दैट इज द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इतना ही है, सीधा सीधा, समझे आप। ये सीधा सीधा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये पूरा जो रास्ता है वो क्या है बच्चा, डिस्टेंस है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। बट मुझे ना एवरेज नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि अगर एग्जैक्ट किसी पोजिशन के ऊपर आपको पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, अगर आपको एग्जैक्ट किसी पोजीशन या एग्जैक्ट किसी टाइम पे बोला जाएगा, बता भाई व्हाट इज द वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 2 सेकंड, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, एग्जैक्टली 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। तो देखो बड़ा सिंपल है बेटा, सपोज मान लीजिए मुझे इस टाइम पे पूछा है कि बोलो भाई वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम के रिलेटेड पॉइंट लेके आऊंगा यहाँ पे ग्राफ पे। तो ये हो गया आपका पॉइंट, राइट। और मैं क्या करूंगा, ये एक्स और टी का ग्राफ है बच्चा, तो ये सीधा नहीं लग रहा ना, लाइन लाइन सीधा करते पहले, कहा गया, वेट अ सेकंड, सपोज ये पॉइंट आया आपका, ठीक है ऐसे है ना, तो ये पॉइंट आया बच्चा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, इस पॉइंट को बच्चा मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सपोज ये टेंजेंट एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बच्चा, ये टेंजेंट एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा एंगल। तो ये जो आपका टेंजेंट बना ना बच्चा, टेंजेंट, ये टेंजेंट का जो स्लोप है, क्या है टेंजेंट का स्लोप, सर ये क्या नया नया बताए जा रहे हो, स्लोप टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब ऐसा लाइन जो कर्व को टच करेगा, एंड स्लोप मतलब वो लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप जीरो, अगर लाइन वर्टिकल है तो स्लोप इंफिनिटी, इन बिटवीन अगर कोई भी एंगल है तो हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा को कहते हैं स्लोप। चलो तो मैं पहले आपको थोड़ा इंस्टेंटेनियस का बेटा आइडिया दे देता हूं। सो अगर बच्चा मुझे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मुझे अगर फाइंड करना है यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस कैन बी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑल्सो, अब यूजुअली वेलोसिटी पे ही हम काम करते हैं इस चैप्टर में। तो बेटा अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में ये टाइम इंटरवल मुझे नियरली जीरो लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर मैं आपको कहूं कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दैट इज दी, अगर मुझे एग्जैक्ट 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दैट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1.9 सेकंड टू 2.1 सेकंड, इतने इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी हो कि दैट इज वेलोसिटी एट 2 सेकंड। अगर मुझे और एग्जैक्ट करना है तो मैं कह सकता हूं कि 1.99 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड के, 2.01 सेकंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मुझे और एग्जैक्ट करना है तो मैं कह सकता हूं कि 1.999 सेकंड से लेके 2.001 सेकंड तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो मैंने यहां पे बच्चा टाइम इंटरवल कितना रखा था 0.2 सेकंड का, देखो कितना डिफरेंस है 0.2 सेकंड। यहां मैंने टाइम इंटरवल और छोटा कर दिया, यहां मैं टाइम इंटरवल और छोटे करते जा रहा हूं, राइट। तो मुझे अगर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, तो मुझे ये टाइम इंटरवल को छोटा करते 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 नियरली क्या कर देना पड़ेगा, 0। आई बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि 1.9999999 सेकंड से लेके 2.00000001 सेकंड के बीच में जो एवरेज होगा, दैट इज एग्जैक्ट वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो अगर मुझे एकदम एक्यूरेट चाहिए तो मैं ये टाइम इंटरवल नियरली क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, 0 कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो उसको लिखा ऐसे दाचा है, लिमिट टाइम टर्म्स टू 0 डेल्टा टी नीचे, राइट, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन। अब बेटा मैथ्स वाले तो ना इससे पीछा छुड़ा ही नहीं पाएंगे डिफरेंशिएशन से, और फिजिक्स में भी आपको बार बार ये करना है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी इज टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिलेगा पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर का एग्जैक्ट वेलोसिटी, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बच्चा अगर आपको एक्सटी का ग्राफ दिया है तो ध्यान रखना बेटा, जो मैंने आगे किया था, दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। और ये स्लोप और कुछ नहीं होता है, क्या होता है बच्चा, ये टेन थीटा होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है, राइट। तो वापस एक बार मैं बता देता हूँ, सपोज मान लीजिए बेटा कि ऐसा अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ है बच्चा, ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं बना दूंगा टेंजेंट, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट का बच्चा टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट का इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है, राइट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, हो जाएगा वेलोसिटी टेन थीटा। चलो बच्चा अब आपके लिए थोड़ा सा आइडिया बनाते हैं कि ये डेरिवेटिव क्या है और कितना हमें काम का है। देखो ये मैथ्स का क्लास तो है नहीं, ये क्लास है फिजिक्स का, जितना डेरिवेशन काम का उतना ही डेरिवेशन आपको करवाया जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एक ही आपको काम में आएगा। हमेशा जब आप डेरिवेटिव करो तो पहले ये चेक करो कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है और डेरिवेटिव किसके लिए करना है, बहुत चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल रूल क्या कहता है बच्चा, पावर आगे आ जाएगी और आपको क्या करना है, पावर में एक माइनस कर देना है, ठीक है, बताता हूं। चलो आपको बहुत सिंपल है बेटा। तो अगर मैं लिखूं बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो मैं पहले देखूंगा कि वेरिएबल कौन सा है एक्स, डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, सिंपली 3 आगे आ जाएगा, पावर में एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। अगर मैं लिखूं बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 7, अब तो आप फटाफट बोलोगे 7 आ गया सर, पावर में एक माइनस करो। अगर मैं बोलूं बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, खाली एक्स है, तो डी एक्स डी एक्स कैंसल, एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगर मैं लिखूं बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट, That can be any constant. तो बेटा constant मतलब इधर x वाला term है ही नहीं, x वाला term नहीं है, मतलब x power क्या होगा, 0 होगा। तो derivate करोगे तो 0 power आगे आ जाएगा, तो constant का derivation क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। अगर मैं लिखूं बच्चा what is d by dx of 1 by x, तो आपको थोड़ा confusion होगा, but confusion करना नहीं है। 1 by x को बच्चा आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x raised to minus 1, यस सर यस लिख सकते हैं। चलो रूल के हिसाब से बच्चा पावर आ गए और पावर में एक और सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो क्या हो गया बच्चा, इसका डेरिवेशन हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। चलो अगर 3-4 टर्म बेटा साथ में, अगर मुझे ऐसा लिखना है बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 9, चलो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, तो कोई नहीं बच्चा बारी बारी से डेरिवेट करते जाओ, तो क्या होगा, सिंपली इसका हो जाएगा बेटा 4 एज इट इज। अब आप बोलोगे सर 4 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बट साथ में x वाला टर्म है ना, अगर अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो x वाला टर्म है, चलो 3 आगे आ जाएगा बच्चा, पावर में एक माइनस करो। 7 एज इट इज 2 आगे आ जाएगा, पावर में एक माइनस करो। 3 एज इट इज x का डेरिवेशन 1, और यहाँ पे 9 अकेला है, इसके साथ x नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली डेरिवेशन का रूल अप्लाई करना है।
चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूँ बेटा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है सारी चीजें। हाँ, अगर बच्चा आपको दिया है डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू फाइव, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वेरिएबल एक्स है बट डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, समझे कि नहीं? अभी सब में तो क्या था, वेरिएबल भी एक्स था और डेरिवेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही चल रहा था, बट अभी क्या हो रहा है बच्चा, अभी आपका वेरिएबल एक्स है और डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। कोई बात नहीं, पावर आगे ले लो, पावर में एक माइनस कर दो और साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपको अलग से लिख देना है। समझे कि नहीं समझा आप लोग? आई बात समझ में? क्या किया मैंने, कुछ गया भेजे में? ओके, तो क्या करा बेटा, पावर का डेरिवेशन कर दिया, फाइव आगे एक्स रेस टू फोर, और वापस क्या लिखना पड़ेगा आपको, डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं सारे बच्चों को बता देता हूं बच्चा, अगर ऐसे है डी बाई डी टी ऑफ लेट अस से 7x³ प्लस 9 का क्यूब, ऐसे है पूरे का क्यूब है, ये बहुत बेसिक डेरिवेशन है, बायो वालों को भी इतना तो चाहिए ही डेरिवेशन। तो देखो बड़ा सिंपल सा है बेटा, क्या करना है आपको समझना, ध्यान से समझना इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये पावर दिख रहा है तो रूल क्या कहता है, पावर को आगे लेंगे, ब्रैकेट एज इट इज, पावर में एक माइनस कर देंगे, पहला काम हो गया। दूसरा काम, अभी तो आपने पहले खाली पावर को डेरिवेट किया, पहले क्या किया बच्चा आपने, पावर को डेरिवेट किया, पावर आ गया ही, पावर में एक माइनस हुआ। अब आपको अंदर जाके वापस फंक्शन का डेरिवेशन लिखना है, डी बाई डी टी ऑफ 7x³ प्लस 9। पहले मैंने बच्चा पावर को डेरिवेट किया, अब मैं अंदर जाके फंक्शन को डेरिवेट करूंगा, ध्यान से देखना। पहले मैंने पावर को डेरिवेट किया, पावर एक माइनस हो गई, थ्री आगे आ गया, अब मैं अंदर जाके फंक्शन को डेरिवेट करूंगा वापस, तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 3 × 7x³ प्लस 9² चलो डेरिवेट करो बेटा, 7 एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² और 9 का क्या हो जाएगा 0, है ना। अब मैं देख रहा हूं कि डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है और वेरिएबल एक्स है। हाँ एग्जैक्टली, क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, लास्ट में आपको एक बार वापस लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले पावर आगे आया, पावर में एक माइनस हुआ, फिर ये फंक्शन को डेरिवेट किया 7 एज इट इज 3x² प्लस 0, और अब मैं देख रहा हूँ कि वेरिएबल एक्स है, डेरिवेशन टी के लिए चल रहा है, तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, आपको डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। तो जब भी बच्चा आपको कोई भी क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस चाहिए, क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइम इंटरवल को नियरली जीरो करना पड़ेगा, और जब ये डिनोमिनेटर नियरली जीरो हो जाता है तो मैथ्स का फंडा कहता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इतनी बात आपको समझ में? और इतने रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, मेजोरिटी तो यही वाला रूल है बेटा जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यही रूल आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो अब बच्चा मैं ले चलता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर, आई होप इतना डिस्कशन आपको क्लियर हो चुका है, हो गया इतना डिस्कशन क्लियर सबको, श्योर एकदम, ओके। मैं आपको एक सिंपल सा ग्राफ देता हूँ, आपको बताना है कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। ये कल ही मैंने बच्चों को जेई में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो वहां से मेरे ध्यान में है ये क्वेश्चन। तो मैं बेटा आपको एक ऐसा ग्राफ दे रहा हूँ, सपोज ये ग्राफ है बच्चा एक्स वर्सेस टी का, और ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा आपका ग्राफ दिया है, सपोज ऐसे यहाँ से थोड़ा सा वो बनाते हैं, आप बताओ चलो कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे देता हूँ, लेट मी कॉल दिस पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, चलो इतने पॉइंट पे हमें बताना है वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने देखा एक्स टी का है ग्राफ, चाहिए वेलोसिटी, क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप, राइट। अगर स्लोप ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, वेलोसिटी, क्योंकि एक्स और टी के ग्राफ का स्लोप क्या है बच्चा, स्लोप क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो अगर ये स्लोप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर ये स्लोप नीचे की तरफ चढ़ रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके चलो, तो देखिए बेटा इस पॉइंट के ऊपर आपका टेंजेंट ऐसे होगा, तो वेलोसिटी कैसा हो गया, पॉजिटिव,
इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आपका ऐसे होगा, ऊपर की तरफ देखो आप, दिख रहा है सबको ब्लू लाइन, तो यहाँ भी वेलोसिटी कैसा हुआ, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट नीचे उतर रहा है तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट आपका नीचे उतर रहा है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटा, इतना बारीकी से आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं भले टाइम लेके करा रहा हूँ काम आपको, बट ऐसा नहीं कि खाली एनसीईआरटी बता के निकल लेना है, जो जितने जितना चाहिए उतना तो चाहिए ही। यहाँ पे वापस टेंजेंट ऊपर आया, वेलोसिटी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप सिंपली बच्चा एक्स और टी के ग्राफ से वेलोसिटी का आइडिया लगा सकते हो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलो अब मैं फाइनली आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2.1 के ऊपर, एंड क्वेश्चन कहता है कि द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई। तो देखो चलो, पोजिशन का आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया है बच्चा आपको, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इन टू टी स्क्वायर, राइट, वेर ए इज 8.5 एंड बी इज 2.5। रख देते चलो, ए का वैल्यू कितना रखना है 8.5 और बी का वैल्यू रखना है 2.5 टी स्क्वायर, एंड इट इज मेजर्ड इन सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 2 सेकंड एंड एग्जैक्टली एट 0 सेकंड, 0 एंड 2, तो एग्जैक्टली 0 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है एंड एग्जैक्टली 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है आपको बताना है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड। तो सबसे पहले तो मुझे वेलोसिटी चाहिए एग्जैक्टली एट 0 सेकंड, मतलब इंस्टेंटेनियस। तो बच्चा मैंने अभी आपको सिखाया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx by dt, है क्या नहीं। चलो एक्स का जो भी फंक्शन है वो यहां पे रख दो, तो इट इज d by dt ऑफ x, एक्स का क्या दिया है बेटा आपको 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, है ना। चलो अब करो बेटा डिफरेंशिएट, वेरिएबल एट टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो 8.5 तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ तो टाइम है ही नहीं, तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2.5 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेशन पावर आ गया और पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो बेटा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया 5t। क्या फॉर्मूला बन गया आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया 5t, गॉट इट। इतनी बात आई आपको समझ में। अब इसमें टाइम का वैल्यू रख दो, चलो आपको किस किस टाइम पे चाहिए बेटा वेलोसिटी एट 0 सेकंड, ऐसे सिंबल दे दो v एट 0, तो टाइम की जगह क्या रख दो 0, तो 0 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगा, 0। नाउ वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो बच्चा टाइम की जगह रख दो 2, कितना वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड, समझे कि नहीं, इजी पीजी। अब आपको ये भी पूछा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, हम लिखेंगे बच्चा के एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन मतलब किस टाइम का पोजीशन, 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड पे क्या पोजीशन है, माइनस इनिशियल मतलब 2 सेकंड पे क्या पोजीशन है, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, 4 - 2, समझे आप। एवरेज में आपको क्या चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बच्चों को क्या लगता है पता है कि सर ये चैप्टर तो बहुत इजी है, जान दो ना, बट जो चैप्टर इजी होता है उसमें से सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप जेई पीवाई क्यूज नीट पीवाई क्यूज देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं है, इसीलिए इसमें से इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। मैं इसके लिए स्पेशली एक जबरदस्त एमसीक्यू का क्लास भी कंडक्ट करूंगा इस चैप्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो एनीवेज, तो बेटा x एट 4, तो ये रहा देखो x का इक्वेशन, इसमें आप 4 रख दो,
तो 8.5 प्लस 2.5 इनटू टी कितना रखना है, 4 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस है बीच में, तो ये मैंने क्या रखा बेटा फाइनल पोजीशन एक्स एक्स की वैल्यू टी इक्वल टू 4 पे। अब वही इसमें आपको इनिशियल पोजीशन में क्या रखना है बच्चा 8.5 प्लस 2.5 कितने टाइम पे रखना है 2 पे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा नीचे 2, ब्रैकेट खोलते ये हो जाएगा 0, ये हो गया बेटा आपका 16 इंटू 2.5 जो हो जाएगा 40 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 दैट इज 10। तो बच्चा एवरेज वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विच इज 15 मीटर पर सेकंड, 15 थोड़ा ऊपर चला गया। तो इस तरह से बच्चा आप फाइंड कर सकते हो, अगर एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करके फाइनली जाके वैल्यू रखेंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर सबको, बोले आगे बढ़े बच्चे, चलिए आप कह रहे हो तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आता है एसेलरेशन, तो बेटा एसेलरेशन कब आता है पिक्चर में, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बेटा वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहते हैं एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, इन बोथ द केसेस देयर इज गोइंग टू बी एसेलरेशन। सो एसेलरेशन कैन बी सिंपली रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं बच्चा सिंपली एसेलरेशन। ओके चलो लेट्स सी, तो बेटा आप एवरेज एसेलरेशन लिख सकते हो वेलोसिटी का चेंज डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम का चेंज डेल्टा टी। ये क्या हो गया बच्चा आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए यहां भी, तो आपको टाइम इंटरवल एकदम इंस्टेंटेनियस, आपको टाइम इंटरवल एकदम छोटा करना पड़ेगा। तो अगर बच्चा आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ये जो नीचे टाइम इंटरवल है उसको नियरली क्या करना पड़ेगा, जीरो। और ऐसा करते ही क्या हो जाएगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, एसेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला बच्चा, एसेलरेशन। कैन आई राइट डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी खुद क्या है बेटा, डी एक्स बाई डी टी। तो दिस इज रिटर्न एज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरीवेटिव। डिस्प्लेसमेंट को दो बार डेरीवेट करोगे तो एसेलरेशन आ जाएगा, सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एसेलरेशन। डू यू गेट दिस, कुछ बात आ रही है आपको समझ में? ओके चलो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। वी हैव द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वी चेक दिस ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम के कुछ और ग्राफ भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके लेट्स सी, सो बेटर लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा और वो केसेस आपको समझने हैं, राइट, कि एग्जैक्टली क्या क्या केसेस सर आपको करवा रहे हैं। तो ग्राफ कौन सा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ है, तो एक्स बाई टी का ग्राफ है ये। चलो देखना, सबसे पहला ग्राफ एक्स बाई टी बच्चा। उससे पहले मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी आपको एसेलरेशन और एक्स का रिलेशन दिया होता है, एक्स मतलब आपका एक्स नहीं है, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको एसेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कहीं भी दिखे तो करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चा क्या करना है उसमें। इफ एसेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ए इज फंक्शन ऑफ एक्स, उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब आपके पास कुछ ए और एक्स का रिलेशन है, तो उस केस में बच्चा आपको सिंपली लिखना है दिस एसेलरेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू। क्या होता है बच्चा, एसेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, अभी आपने ना जो लिखा, बट क्योंकि टाइम के साथ रिलेशन नहीं है एक्स के साथ, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम इसको ना ऐसा अलग करेंगे डीवी बाई डी टी, और यहां पे बेटा हम ऊपर नीचे डीएक्स डीएक्स करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे ऊपर नीचे इस तरह से डीएक्स डीएक्स मल्टीप्लाई करेंगे। अभी खाली रिलेशन ध्यान रखना, इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है जो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, बट ये रिलेशन आप ध्यान में रखना।
ना बच्चा व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी वी, तो रिलेशन क्या हो गया, ए ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा हम हमेशा के लिए याद रखेंगे कि अगर ए और एक्स का रिलेशन है तो ए एक्स डी एक्स हो जाएगा वी डी वी। और फिर यहां से उसको ये क्या किया सर आपने, इंटीग्रेशन किया। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे वाले पार्ट में जहां पर हम इंटीग्रेशन को भी सीखेंगे। तो ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूं, हम सॉल्व नहीं करेंगे, खाली मैं आपको आधे से छोड़ दूंगा इंटीग्रेशन तक लाके। तो सपोज बेटा आपको ऐसा दिया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5x2, ठीक है, आपको बताना है फाइंड फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, फाइंड फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने देखा कि यहां पे a और x का रिलेशन है, मेरा माथा खनका के सर ने बताया था कि ए एक्स का रिलेशन है, तो क्या करना है, ए एक्स का रिलेशन को डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ क्या हो जाएगा वी डी वी, क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये वाला रिलेशन ए और एक्स का रिलेशन है तो ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। बोलो मेरे साथ साथ, ए और एक्स का रिलेशन है तो क्या करेंगे, ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। ए और एक्स का रिलेशन है तो क्या करेंगे, ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। ए और एक्स के रिलेशन में क्या करेंगे बच्चा, ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, राइट। चलो अब ए का जो भी रिलेशन है वो यहां पे हम रख देंगे, 5x2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। छोटा सा मैं सॉल्व कर ही लेता हूं इसको, ठीक है। तो बच्चा ये 5 एज इट इज, इंटीग्रेशन में आपको उल्टा करना होता है, पावर में एक जोड़ना होता है और पावर नीचे डिवाइड कर देनी होती है। वॉट डज इट मीन, आगे हम डिटेल में भी करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक मुझे लगा कि कराना जैसा है तो मैंने कवर कर लिया कि ए और एक्स का रिलेशन है तो क्या करना है आपको, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा ये सब, बट इंपॉर्टेंट है आपको एमसीक्यूज में बार बार ये दिखेगा। अगर इसका खाली प्योरली एनसीईआरटी का लेक्चर कराने बैठो ना तो एक घंटे में चैप्टर सफा सक, क्योंकि थियरी के नाम पर कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर, ओके। चलो बेटा तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो पावर में एक आपको जोड़ना है और जो पावर बनी उसको नीचे डिवाइड कर देना, ये होता है इंटीग्रेशन। यहां पे देखो v का 1 पावर है, तो पावर में एक जोड़ना है आपको और उसे से नीचे क्या कर देना है बच्चा, डिवाइड कर देना है। तो मैं यहां सिंपली अभी के लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि बच्चा मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है x रेस टू n का, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पावर में एक जोड़ूंगा और उसी से नीचे डिवाइड कर दूंगा, जो भी हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सिंपली क्या हो गया बच्चा, अगर एक्स स्क्वायर है पावर में एक जोड़ो 3 पावर और 3 से नीचे डिवाइड कर लो, v पावर 1 है पावर में एक जोड़ो 2 पावर 2 से नीचे डिवाइड कर लो। तो बेटा क्या रिलेशन बना आपका, देखिए तो ये आ गया 5x³/3 इक्वल टू v² / 2। तो ऐसा आपका एक रिलेशन बना किसका, x और v का। आई बात समझ में, ओके। अब यहां से अगर a और v को रिलेट करना है तो देखो a के इक्वेशन में भी x है, v के इक्वेशन में भी x है, तो यहां से इसको लिख सकते हो आप a बाई 5 का अंडर रूट, a बाई 5 का अंडर रूट और उस x को जाके यहां पे रख दो, तो आपको a और v का रिलेशन भी मिल जाएगा। समझे मैंने क्या कहा बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चा आपके लिए, आने चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन। ये भी ax का रिलेशन बना, ये vx का रिलेशन बना, दोनों में क्या सेम है, x, तो इसमें से x को जाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको a और v का रिलेशन भी मिल जाएगा, है ना बच्चा। मेरी फर्ज बनती है कि आपको सब कुछ सिखाया जाए, है कि नहीं। चल मेरे बच्चे आप बता रहे हैं यहां से आगे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चल पहले ग्राफ देख लेते, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कुछ ग्राफ्स, बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है बेटा। तो अगर ग्राफ ऐसे है, व्हाट डज इट मीन, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है पोजिशन, तो यहां पर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा, समझे। सेकंड केस, चलो अगर बच्चा आपका ग्राफ ऐसे है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसा, यूनिफॉर्म, एक्स चेंज तो हो रहा है ना, एक्स मतलब वेलोसिटी तो है, और एक्स का चेंज कैसा है, यूनिफॉर्म है बच्चा, यूनिफॉर्म है एक्स का चेंज, एक्स के चेंज का यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और ग्राफ ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। तो यहां पे क्या है बच्चा, ये है यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो।
ओके, इफ यू गेट दिस ग्राफ, अब तो मेरे बच्चे खुद ही आंसर देंगे कि सर क्या बनाने वाले, नीचे की तरफ ग्राफ है ना, x बाई टी का ग्राफ नीचे की तरफ है, स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन अभी भी नहीं है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी है, तो दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। तो यहां भी एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, जीरो है। अब तू समझना ध्यान से, हाँ ये तुमको कोई नहीं समझाएगा बच्चा, x बाई टी का ग्राफ बच्चा अगर ऐसे है, कर्व अपवर्ड्स, ये ज्यादा ही अपवर्ड्स हो गया, अगर x बाई टी का ग्राफ बच्चा ऐसे है कर्व अपवर्ड्स, तो ये क्या हो रहा है देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना, मैं x बाई टी का ग्राफ है ना तो मैं टेंजेंट बनाता हूं, तो यहां पे वेलोसिटी आप देख लो, यहां पे आप वेलोसिटी देख लो, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि टेंजेंट धीरे धीरे ज्यादा इंक्लाइन होते जा रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब भी xt का ग्राफ कर्व अपवर्ड्स है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है बच्चा यहाँ पे आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, और कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, दिस इज द इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। अगर बच्चा यहीं पे सुनना ध्यान से, हाँ ध्यान सबका इधर, अगर ये ग्राफ बच्चा ऐसे है, अब क्या लग रहा है आपको देखो, तो पहले आपका टेंजेंट ज़्यादा इंक्लाइन है, और फिर देखो टेंजेंट धीरे धीरे आपका फ्लैट होते जा रहा है, टेंजेंट फ्लैट होते जा रहा है मतलब क्या बच्चा, वेलोसिटी धीरे धीरे बनना यार, देखो टेंजेंट आपका धीरे धीरे फ्लैट होते जा रहा है मतलब क्या हो रहा है बच्चा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब इस केस में बच्चा एक्सेलरेशन कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा, तो एक्सटी ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सटी ग्राफ नीचे की तरफ कर्व है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्लियर बेटा सारे के सारे केसेस, पांचों केसेस क्लियर आपको। अब एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाता है कि एक ग्राफ आपको दिया होगा किसी दो क्वांटिटी का, और वही पर्टिकुलर केस के लिए किसी और दो क्वांटिटी को रिलेट करना होगा, ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे अपने, अभी नहीं करेंगे, चलो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चा यहाँ से। अब ये कुछ केसेस आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कौन सा ग्राफ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ, ध्यान से देखना, अब मैंने अभी करा ना वैसे ही कुछ केसेस है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन भी कैसा है बच्चा, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स अगर आप इसका एक्सटी का ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ग्राफ आपका ऊपर बनेगा पॉजिटिव एक्स में, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, राइट, तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा बच्चा, ऐसा जाएगा आपका ग्राफ कर्व अपवर्ड्स, तो यहां पे क्या है बच्चा, एक्स भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी कैसा है बच्चा, नेगेटिव ही है ना, देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रहा था तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, आप समझो ध्यान से, अगर आपका ऑब्जेक्ट है इस तरफ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और आपने एक्सेलरेशन भी नेगेटिव दिया मतलब इसी तरफ दिया, तो ये नेगेटिव वैल्यू बच्चा बढ़ता ही जाएगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव था, इस तरफ था ना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है मतलब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनाना पड़ेगा, और आपकी वेलोसिटी नेगेटिव से शुरू होकर और ज्यादा नेगेटिव ही होती जाएगी, तो दिस इज हाउ योर ग्राफ विल लुक लाइक, राइट, समझे, देखो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप टेंजेंट बनाओ, देखो अभी ये थोड़ा फ्लैट है
ये धीरे धीरे इंक्लाइन ही होते गया, मतलब और नेगेटिव होता गया, वेलोसिटी बढ़ता ही गया वेलोसिटी। चेक आउट द नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसा है पॉजिटिव, विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझे, अभी आपका एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा, नेगेटिव है। और जहां तक मेरा मानना है ना बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो दिए है ना ये सारे ग्राफ्स आपके वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स है। टेक्स्ट बुक में आपको वेलोसिटी टाइम के ग्राफ्स दिए है। यस, मैं इसलिए सोचूं कि ये मैंने कहीं देखा क्यों नहीं है, यहां पे मेरा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो बच्चा कोई नहीं, आपके लिए दोनों ही ग्राफ बना लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बना लेते हैं एंड इसी के लिए अपने वेलोसिटी टाइम भी बना लेते हैं, ठीक है, अपने को सब आता है। चलो वेलोसिटी टाइम यहां पे बनाते हैं, इसके बाजू में बच्चा ध्यान से देखना कौन सा ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम। चलो बुल बुल में आपने एक्सटी भी बना लिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बन गया तो अच्छी बात है ना। चलो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखते हैं बच्चा। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब उसका वेलोसिटी कैसा था पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी कैसा है पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, राइट। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये और पॉजिटिव होती जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव की तरफ गई। इसमें क्या था बेटा, देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, अगर आप वीटी ग्राफ बनाते हो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना अन्याय नहीं करना है, अगर आप वीटी ग्राफ बनाते हो बच्चा, तो देखो वेलोसिटी पहले से नेगेटिव थी, ऑब्जेक्ट नेगेटिव में जा रहा था, और क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो वेलोसिटी और नेगेटिव में बढ़ता ही जाएगा, मतलब इट बिकम ऑफ है ऑल और नेगेटिव। समझ रहे हो बच्चा केसेस को आप, तो ये एक्स टी का ग्राफ है और ये वही ग्राफ किसका है, वी टी का है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम वी टी प्लॉट करेंगे खाली। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कैसा है बच्चा, पॉजिटिव है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे बच्चा, वेलोसिटी का पॉजिटिव से आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू हमने ले लिया, चलो वेलोसिटी का स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अब एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव वेलोसिटी अभी इतना दिख रहा है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है इस तरह से, समझे। लास्ट केस देखो, चलो ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, टिल टाइम टी वन एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा, नेगेटिव है। तो होगा क्या, देखो पहले तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी को वो घटा के जीरो कर देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है, वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो वेलोसिटी पहले तो पॉजिटिव से घट के धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट टर्न मारेगा, अभी ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट टर्न मारेगा उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और अब वो नेगेटिव में और बढ़ती जाएगी। तो यू कैन प्लॉट योर ग्राफ लाइक दिस, वी आर प्लॉटिंग वी टी ग्राफ। तो स्टार्टिंग कहाँ था, पॉजिटिव से था, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी धीरे 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 घटी, इस टाइम तक वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, और अब जैसे ही ऑब्जेक्ट टर्न करेगा वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि टर्न करते ही वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन बदल देगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव का अब नेगेटिव में जाएगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है तो नेगेटिव वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो ये आपका टी वन टाइम है जहां पर ऑब्जेक्ट ने टर्न किया है। यू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ बात आ रही है समझ में आपको बच्चा, हाउ इट इज डन, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। बट बिफोर दैट आई नीड अ स्मॉल ब्रेक फॉर वाटर। अब तो ये आपका फेवरेट टॉपिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, प्यारा प्यारा टॉपिक। चलो ऑल सेट, चलो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, आपने जो नाइन्थ में बनाया था सेम वही है ये। सो हम एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे बच्चे,
चलो अच्छी बात है, इससे थोड़ी और डिस्कशन करनी थी मुझे आपको वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से। आ जाओ ना, कहाँ है, कुछ ग्राफ बनाए थे अब मैंने, स्पेस है ना यहाँ पे ले। चलो सो इफ यू हैव अ ग्राफ ऑफ, बच्चा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं। चलो तो बेटा अगर मैं वेलोसिटी टाइम का आपको ग्राफ देता हूं, देखना बड़े ध्यान से, हाँ, उससे मुझे क्या क्या चीजें मिलेगी, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से क्या क्या मिलेगा आपको। बहुत बार ग्राफ के ही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन, समझ के चलना। तो अगर बच्चा आपको ऐसा एक ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, और आपको ग्राफ कुछ सपोज ऐसा दिख रहा है बच्चा, राइट, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी बना रहा हूं, हाँ, सपोज यू फाइंड दिस काइंड ऑफ द ग्राफ, विच काइंड, थोड़ा और इसको आगे ले जाते हैं। चलो तो मुझे ना कुछ ऐसा ग्राफ दिखा बच्चा, ऐसा मेरा ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा, बड़े ध्यान से देख, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अब मुझे इसमें से क्या क्या मिलेगा बेटा, तो किसी भी ग्राफ में से आपको दो चीजें मिलती है, एक आपको मिलता है स्लोप और दूसरा आपको मिलता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्लोप किसी भी ग्राफ का रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, दिस इज इंडिकेटेड बाई स्लोप। अभी अपने वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी, तो चेंज इन वाई क्या हो जाएगा बेटा आपका, चेंज इन वेलोसिटी। और बच्चा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, तो मेरे सारे बच्चे को दिख रहा है एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। और अब सब फुदक फुदक के बोलेंगे कि सर पता है ये तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम क्या होता है, ये एक्सेलरेशन। समझा दूं आपको मैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन फ्रॉम दिस ग्राफ। तो देखो दो चीजें आपको मिलेगी, एक मिलेगा आपको एवरेज एक्सेलरेशन, एक मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो बेटा मुझे ये दो पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, मैं बहुत डेप्थ में ले जा रहा हूँ आपको, बहुत डेप्थ में, इसलिए टाइम तो लगेगा, पेशेंस से बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब कुछ, ओके, याद करोगे मुझे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब। सो बेटा इस टाइम पे सपोज वेलोसिटी है v1 और इस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया, v2 हो गया। सपोज ये था आपका टाइम t1 और ये था आपका टाइम t2, तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v और ये हो गया आपका चेंज इन टाइम डेल्टा t। मतलब इस इंटरवल में अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम कर लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। अब मुझे अगर चाहिए बच्चा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सपोज मुझे इस पॉइंट पे चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा टेंजेंट, या रेड कलर का क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। ये टेंजेंट का सपोज इंक्लाइनेशन एंगल है थीटा, राइट। तो मुझे अगर इंस्टेंटेनियस बच्चा एक्सेलरेशन चाहिए ना, लाल कलर से ही लिखेंगे मजा आएगा। तो अगर बेटा मुझे यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी, और सिंपली क्या करेंगे, उसके स्लोप का ले लेंगे टेंजेंट, मतलब टेन थीटा। तो मुझे ये वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा इफ आई टेक अ टेंजेंट ऑफ द स्लोप, टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो मैंने यहां आपको बताया है। अब तीसरी चीज आपको यहां से मिलेगी, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ग्राफ कौन सा है, वीटी का। तो देख बेटा बहुत ही सिंपल सा मैं तुमको बताता हूं क्या करना है आपको। तो यहां पे देखो ये पूरे ग्राफ में आपका दो एरिया है, एक ये ऊपर वाला एरिया है पूरा, लेट मी कॉल इट एरिया A1, और एक ये नीचे वाला एरिया है A2। देखा आपको, ये एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे कर्व शेप जनरली नहीं आता है, JEE मेन एडवांस में आता है, क्योंकि मैथ्स वाले कर्व का भी एरिया फाइंड करना सीखेंगे, बायो वालों को तो कहाँ ये सब झंझट में पढ़ना ही है। एनीवेज, तो अगर बेटा आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो और अगर आपको पूछा हो बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हमें करना है एरिया अंडर द ग्राफ। क्या करना है डिस्टेंस के लिए आपको करना है बच्चा, एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा एरिया, ध्यान से देखना। तो बेटा ऊपर का एरिया है A1 जो पॉजिटिव होगा,
और नीचे का एरिया ए टू जो नेगेटिव लेना है, जो ऊपर एरिया है वो पॉजिटिव लेना है, नीचे एरिया को नेगेटिव लेना है। बट क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कभी नेगेटिव कुछ होता नहीं है, डिस्टेंस तो जुड़ते ही जाता है, तो डिस्टेंस में आपको जो भी एरिया दिख रहा है उसका मोड लेना है। डिस्टेंस में कभी कुछ भी नेगेटिव लेना नहीं है, तो इसलिए मैंने मोड लगा दिया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया नीचे है वो नेगेटिव ही लेंगे। तो अगर बेटा इसी में मैं लास्ट में यहां पे लिख देता हूं, अगर बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस ग्राफ से, तो जो एरिया ऊपर है वो पॉजिटिव, जो एरिया नीचे है वो नेगेटिव। तो बेटा इतना डेटा आपको वीटी ग्राफ से मिलता है, इससे ज्यादा वीटी ग्राफ में कुछ नहीं मिलना आपको। क्लियर है सबको? ओके डन। चले बेटा ये लेक्चर ऑलरेडी आपका 50 मिनट का हो चुका है, एंड मुझे लग रहा है कि अब ये लेक्चर को हमें यहाँ वाइंड अप कर देना चाहिए और दूसरे पार्ट में हम शुरू करेंगे ये काइनेमेटिक इक्वेशन और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन। एक चैप्टर एटलीस्ट दो पार्ट में तो रखें, ठीक है? तो इसका दूसरा पार्ट बेटा आएगा बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट कल ही हम इसका दूसरा पार्ट भी डाल देंगे। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, राइट? ओके बच्चा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि थोड़ी सी हमें हेल्प मिले। बहुत मेहनत लग रही है बेटा इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल कंटेंट डिलीवर करने में। एक बार आप देखो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार सर सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। इसको सेव करते फिर आपको आइडिया आएगा, ऐसे आइडिया नहीं आएगा आपको। ठीक है बच्चा, चलिए सो मिलते हैं वापस अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। नोट्स का लिंक दिया हुआ है, परचेस कर लेना, 199 रुपीज़ पूरे साल का पूरा फिजिक्स। थैंक यू।